हालांकि कल मैंने आप लोगों को यही पीडीएफ कराया था और इस पीडीएफ को मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, है ना। तो कल मैंने चर्चा किया था आप लोगों से दत्तक ग्रहण के बारे में, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो प्रतिपालन प्रतिपालन देखभाल के बारे में, प्रतिपालक देखभाल के बारे में, उन चीज़ों पर मैंने कल आप लोगों से चर्चा किया था। आज का टॉपिक संरक्षण करता है। देखोगे तो यूनिट 10 के अंतर्गत एक पॉइंट आपको मिलेगा और वो बेसिकली बच्चों की नीतियों और कार्यक्रमों में मिलेगा ये पॉइंट संरक्षणकर्ता। इसका मतलब क्या होता है संरक्षणकर्ता का, अगर मीनिंग आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? संरक्षणकर्ता का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछता है तो आप यहाँ पे क्या कहना उचित समझेंगे? सर मुख्य कर्ता, कर्ता धर्ता सर मुख्य, माय बाप जिसको बोल सकते हैं। हाँ, ये आपने बड़ा सही जवाब दिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो कर्ता धर्ता है, जो क्रियाओं को लेकर या जो बच्चों की देखभाल के संबंध में जिक्र किया जा रहा है जिसके बारे में, वही एक प्रकार से संरक्षण करता है यानी देखभाल करता है। ये आप कहीं कहीं देखे होंगे तो अभिभावक शब्द रिलेट होता है, तो अभिभावक शब्द भी कहीं ना कहीं रिलेट कराता है संरक्षण करता को। तो एक कानूनी अभिभावक वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत और संपत्ति हितों की देखभाल करने के लिए कानूनी अधिकार होते हैं, है ना, उन्हीं को हम लोग संरक्षणकर्ता कहते हैं। संरक्षणकर्ता जिसको आप लोग गार्जियनशिप बोलते हो इंग्लिश में, का सामान्यतः तीन स्थितियों में उपयोग होता है। संरक्षणकर्ता का सामान्यतः अगर हम जिक्र करते हैं तो तीन जगह पर इसका प्रयोग होता है। एक तो जो अक्षम वरिष्ठ के अभिभावक, वहाँ पे संरक्षणकर्ता की भूमिका। नाबालिगों के लिए अभिभावक यानी वहाँ पर संरक्षणकर्ता की भूमिका। विकलांग यानी वयस्क के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी अभिभावक यानी संरक्षणकर्ता की भूमिका। तो आप अभिभावक या संरक्षणकर्ता आप बोल रहे हैं तो दोनों शब्द अलग नहीं है, दोनों एक ही, दोनों जो शब्द हैं वो एक ही शब्द हैं, अलग शब्द नहीं है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए संरक्षणकर्ता में और अभिभावककर्ता में या अभिभावक में। सर एक पॉइंट और आता सर। जी बताए। संरक्षण और संस्थापक सर दोनों में क्या है सर अंतर? देखो सर दोनों एक ही शब्द है क्या सर? नहीं नहीं, संस्थापक तो अलग होता है, संस्थापक है ना, वो शब्द अलग होता है। जारी करने वाला प्रवर्तक होता है, कोई नई बात को चलाने वाला होता है, वो आप उसी को संस्थापक कहते हैं, है ना। स्थापना की अगर परिभाषा की बात करते हैं, अगर वो स्थापित उस चीज को कर रहा है तो संस्थापक होता है। और संरक्षणकर्ता में मतलब उसकी देखभाल के परिप्रेक्ष्य रिलेट हो जाता है, है ना। okay. देखभाल के संबंध में वो चीजें रिलेट हो जाती है। तो ये अलग है, दोनों शब्द जो है अलग अलग है। ठीक है, संस्थापक अलग है और जो है संरक्षणकर्ता अलग है। अब देखिए कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। प्रतिपालक यानी फास्टर केयर की भांति ही यहाँ पर भी संरक्षणकर्ता की भी भूमिका होती है। अच्छा, मैंने कल आपको बताया भी था कि भी जरूरतमंद बच्चों को बेहतर पारिवारिक देखभाल की आवश्यकता होती है, है ना। अब ये जो पारिवारिक देखभाल की आवश्यकता होती है उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो एक प्रतिपालक देखभाल के माध्यम से ही उन्हें बेहतर जीवन प्रदान किया जा सकता है। और उसमें जो मेन रोल है वो संरक्षणकर्ता का है। तो यही कहा जा रहा है कि प्रतिपालक की भांति ही यहाँ पर संरक्षणकर्ता की भी भूमिका होती है और जिसके अंतर्गत बच्चों की देखभाल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखभाल करने के लिए संरक्षणकर्ता की व्यवस्था की जाती है। जब किसी परिवार में किसी बच्चे की देखभाल करने में माता पिता असमर्थ हो या माता पिता ना हो तो ऐसी स्थिति में बच्चों की देखभाल करने के लिए संस्थागत रूप से संरक्षणकर्ता की व्यवस्था की जाती है, है ना। उसकी व्यवस्था की जाती है और यही पूरी भूमिका निभाता है संरक्षणकर्ता। तो बड़ी ही आसान शब्दों में लिखा गया है कि संरक्षणकर्ता की भूमिका प्रतिपालक यानी फास्टर केयर में होती है और प्रतिपालक वो होता है जो बेहतर पारिवारिक देखभाल की भूमिका में अपनी भूमिका जो है अदा करता है। तो प्रतिपालक देखभाल के माध्यम से ही बेहतर जीवन प्रदान हो सकता है। फास्टर केयर प्रतिपालक एक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत एक बच्चा सामान्यतः अस्थाई
है ना, अस्थाई रूप से किसी असंबंधित परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, तो वहीं पर इसकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और आ रहा है, कह रहा है कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जिले में एक जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना बाल संरक्षण हेतु की जाएगी, और ये बात आपको पता भी है ना, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। हालांकि किशोर न्याय अधिनियम, मैं बात कर रहा हूं जुबेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन के बारे में, जो एक्ट 2015 का था, उसी के अंतर्गत जिले में एक जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की जाएगी और वह भूमिका होगी बाल संरक्षण की, उसमें भी एक संरक्षणकर्ता होगा। इसी के अंतर्गत फास्टर केयर और संरक्षणकर्ता कार्य करेंगे और उस बालक का पोषण, वस्त्र, शिक्षा, सुरक्षा तथा ये सभी प्रयास करेंगे कि जिससे वह बालक का विकास सुनिश्चित किया जा सके। संरक्षणकर्ता की भूमिका में सरकारी संस्था के साथ साथ गैर सरकारी संगठन, निजी संगठन भी इस तरीके से व्यवस्था का संचालन करते हैं ताकि तीव्र गति से समस्या का समाधान किया जा सके। ये भूमिका इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम जो 2015 है, उसमें संरक्षणकर्ता की बात हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उस अधिनियम के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण एक इकाई है, एक यूनिट है, उसकी स्थापना होगी और वो स्थापना जो किया जा रहा है वो किसके संबंध में होगा, तो बच्चों के संबंध में होगा। बच्चों का सर्वांगीण विकास पर बल देगा वो, है ना। सही, क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिएगा, एक बार स्पष्ट करिएगा अगर क्लियर है तो बताइए। हेलो जी सर, जा रही ना, बोला करो आप थोड़ा सा, है ना। हाँ सर, आ रही है। तो ये चीजें आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। और आगे बात करते हैं तो अगले पॉइंट पर जिक्र करेंगे हम लोग बाल विवाह पर, है ना। बाल विवाह, देखो आप सभी लोगों ने सुना होगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, है ना। और मैं आप लोगों से इस एक्ट पर, मैंने भी आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर, है ना। हालांकि यह अधिनियम सन 1929 का था, जो मैंने आपसे जिक्र किया है बाल विवाह निषेध अधिनियम है। और इस अधिनियम को अगर सबसे पहले अगर जिक्र किया जाता है तो वहाँ 1929 का है, ये 1929 में पारित हुआ था, लेकिन इसका संशोधन हुआ और संशोधन की प्रक्रिया में ये पॉइंट दिया गया है। और संशोधन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। संशोधन कब हुआ था? 2006 में हुआ था, 2006। और उसमें मैंने आपको देखो, ये डीप में चर्चा किया हूँ मैं आप लोगों से, कुल 21 धाराएं इसके अंतर्गत हैं, कुल 21 धाराएं इसके अंतर्गत मेंशन की जाती हैं। और मैंने आप लोगों से पहले भी इस पर जिक्र कर चुका हूँ, है ना। परिभाषाएं इसके अंतर्गत मिल जाती हैं कि भाई बच्चे किसे कहा गया है, जो परिभाषा आप धारा दो की बात मैं अगर करता हूँ तो टर्म किस यूज किया गया, बच्चे की परिभाषा बताई। और इस अधिनियम ने कहा था कि जिसमें यदि पुरुष तो 21 वर्ष की आयु अगर पूरी नहीं किया है पुरुष, तो वो बच्चा है एक प्रकार से, इस अधिनियम में बोला गया है। और अगर कोई महिला है 18 वर्ष पूरा नहीं की है तो भी एक प्रकार से बच्ची है। तो इस तरीके का शब्द यूज किया इसने, एक प्रकार से बच्चे शब्द, बाल विवाह शब्द यूज किया इसमें। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ क्योंकि 2006 से ही सवाल पूछे जाएंगे। इसमें बाल विवाह शब्द यूज हुआ, इसका मतलब था ये कि एक ऐसा विवाह जिसमें अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों में से कोई एक बच्चा हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मान लीजिए 18 वर्ष पूरा कर लिया महिला ने और 20 वर्ष का पुरुष है, तो वो एक प्रकार से बाल विवाह का पार्ट बन जाएगा। और महिला मान लो जो 16-17 साल की है तो भी वो एक प्रकार से बाल विवाह का पार्ट बन जाएगा। तो दोनों में से अगर कोई भी अगर एक जो है ईयर अपना कंप्लीट नहीं किया है तो बाल विवाह का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये शब्द इसके अंतर्गत यूज किया गया, नाबालिग शब्द यूज किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको प्रस्तुत करता है धारा दो, जहां पे परिभाषाएं वगैरह मेंशन की जाती है इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता रखा कि सुन्नीकरण की भी बात इसी के अंतर्गत होती है, बाल विवाह के अंतर्गत।
है ना, जी सर। है ना। तो ये सारी चीजें जो है धारा 3 में मिल जाती है। फिलहाल हम देखते हैं बाल विवाह में इसमें क्या कहा गया है। कहा गया कि बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष से पूर्व और लड़की की 18 वर्ष से पूर्व शादी कर दी जाती है, तो उसे बाल विवाह कहेंगे। सर्वप्रथम यह वर्ष 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था। बाद में सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए। वर्तमान में वर्ष 2006 में इससे संबंधित नवीन संशोधन माना जाता है। 2006 वाला जो संशोधन है उसी को बेसिकली माना जाता है इस समय बाल विवाह के अंतर्गत। यदि किसी बाल विवाह का आयोजन होता है तो जिस बालक या बालिका का विवाह हो रहा है तो उसके माता पिता या जिसकी देखभाल में हो रहा है दोषी होंगे। अगर वो बाल विवाह हो रहा है, उसके माता पिता हैं या वर पक्ष से या कन्या पक्ष से हैं, बाल विवाह हो रहा है तो वो दोषी माने जाएंगे। साथ ही साथ विवाह संपन्न कराने वाला पंडित अगर है वो भी दोषी माना जाएगा। शामिल होने वाले जो रिश्तेदार हैं उस विवाह में वो भी दोषी माने जाएंगे। जितने बाराती लोग हैं वो भी दोषी माने जाएंगे। जो विवाह करवा रहे हैं, जिसको अगुआ आप लोग कहते हैं, मेडिटर कहते हैं, मध्यस्थता जो करता है, वो भी एक प्रकार का दोषी माना जाएगा। ये बाल विवाह के अंतर्गत पार्ट माना जाएगा। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। बाल विवाह के आरोपियों को दो साल तक का, ठीक है, आश्रम कारावास शब्द डिलीट कराया गया है, या 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना, तो उसे कड़ी सजा भी 2 साल की मिलेगी। साथ ही साथ 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किनको हो सकता है? जो बाल विवाह करवाए हैं, ठीक है, चाहे वो वर पक्ष के पेरेंट्स हो, चाहे वो कन्या पक्ष के पेरेंट्स हो, या उनके रिश्तेदार या बाराती जो भी लोग हैं, उनको ये सब करना पड़ेगा। अथवा दोनों एक भी हो सकता है ना, दोनों भी अलग अलग भी हो सकता है। भाई जेल अगर होगी तो पैसे भी नहीं, दोनों एक साथ भी हो सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह को रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करेगा तथा समाज में बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता लाएगा और इस तरह से नाबालिग का विवाह अभिभावक के संरक्षण से निकलकर धोखे से या बलपूर्वक कराया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य हो जाएगा। और इस तरह से बाल विवाह आधुनिक समाज की अनावश्यक बुराई है तथा एक स्वस्थ समाज के लिए एक चुनौती है जिसको नीति, कानून और जागरूकता के द्वारा पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। ये प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल सकती है बाल विवाह के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है, बाल विवाह के संबंध में क्लियर रहेगा। एक बार स्पष्ट करेंगे आप लोग, जी सर। बाकी मैंने पूरे टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, है ना, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अधिनियम है, उस अधिनियम को पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। अब चलिए पर सर, इसमें 2021 में भी संशोधन हुआ ना, जैसे कि आपने बताया था लास्ट टाइम। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत का जो संशोधन 2021 वाला, वो आपका माना जाएगा। यहाँ जो 21 वाला संशोधन है, राजपत्र में अभी तक चीजों को मेंशन नहीं किया गया है, परंतु आप 21 वर्ष कह सकते हो मेल और फीमेल का, है ना, जी सर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम संशोधन 2021 की प्रक्रिया में अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप वहां पर उसको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो चीजें हैं उसके अंतर्गत, है ना। 21 वर्ष आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि नहीं? जी सर, जी नहीं बताया, बताया हाँ, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसमें बाल विवाह की जो न्यूनतम आयु दर्शाई गई है वो 21 वर्ष कर दी गई है ना, 21 वर्ष कर दी गई है, 21 वर्ष मेल फीमेल दोनों को कर दी गई है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। जी सर, आगे बात करते हैं। और उस प्रतिक्रिया में जो है समाज कार्य हस्तक्षेप से संबंधित कुछ कार्यक्रम है ना, कुछ कार्यक्रम है, ठीक है। अब देखो, समाज कार्य के हस्तक्षेप में अगर हम बात करते हैं तो वो हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन, एक प्रकार से पहचान करना, है ना, समझ रहे हैं ना। समाजकारी हस्तक्षेप का मतलब जांच पड़ताल भी होता है क्या सर? जांच पड़ताल भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, है ना। तो मैंने एक बार आप लोगों से ये भी कहा था कि समाजकार्य का जो अर्थ होता है वो सकारात्मक होता है। आप ये भी कह सकते हो समाजकार्य का मीनिंग में कि सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों को और उनके सामाजिक माहौल के बीच में अंतःक्रिया
प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर करना ताकि वे अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें और अपनी तकलीफ़ों को वो कम कर सकें। इस प्रक्रिया में समाज कार्य की भूमिका होती है। तो उसी को एक साथ लाकर कहा कि समाज कार्य में किस तरीके से आप उन समस्याओं को इंटरवेंशन करोगे, आप हस्तक्षेप करोगे, और उसी के संबंध में कुछ कार्यक्रम है, वो कौन कौन से कार्यक्रम है अभी हम लोग देखेंगे इसकी तरफ। तो देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे दिया गया कि भारत में समाज कार्य की बहुत ही लंबी और प्राचीन परंपरा रही है। देखिए, भारत में समाज कार्य की, तो भाई ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप प्राचीन समय से देखें या बौद्ध समय की जैन धर्म में देखें, जो आप सुनते हैं उपदेश वगैरह, वो प्रक्रियाएं भी कहीं ना कहीं समाज सेवाओं की ही पार्ट होती थी, और लेकिन उसको कहा जाता था समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में। मैंने आपको एक बार समाज कार्य की जब पढ़ा रहा था तो उसमें ये भी बताया था एलन क्लार्क के बारे में कि उन्होंने अपने इतिहास में भी कहा है कि अगर कोई मान लीजिए भिक्षा मांग रहा है, आपने उस पर दान दे दिया, वस्तु दान कर दिया, अर्थ दान कर दिया, या पैसे आपने दान में दे दिए, तो वो भी एक प्रकार के समाज कार्य हो जाते थे। इस तरह की क्रियाएं आपने सुना है। तो इसी वजह से कहा गया कि समाज कार्य की बहुत ही प्राचीन और लंबी परंपरा मानी गई है। मंदिर, धर्मशाला, मठ जैसी धार्मिक संस्थाएं समाज सेवा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। उनमें निर्धनों को आश्रय तथा भोजन को निःशुल्क देने की व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने भारत में आगमन के बाद, जब अंग्रेज भारत में आए, तो उसके बाद क्रिश्चियंस मिशनरियों ने भी अपने धर्म प्रचार के साथ साथ विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण संबंधित कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए थे। आपको बता दें कि जो समाज कार्य की प्रक्रिया संचालित हुई थी प्राचीन समय में, वो मिशनरियों के द्वारा से ही हुई थी। ये बात चाहे वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो USA के परिप्रेक्ष्य में हो, इन तीनों जगहों पर ईसाई मिशनरियों की एक अहम भूमिका मानी जाती है, और वहीं से समाज कार्य का उदय हुआ। ठीक है, वहीं से 18वीं सदी के अंत में राजा राम मोहन राय ने मैंने आप सभी को पढ़ाया है कुछ विभिन्न संस्थाओं के बारे में, आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो सत्यशोधक समाज हो, प्रार्थना समाज हो, इत्यादि समाज के बारे में। ये भी समाज की जो संस्थाएं थी, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज कार्य का कार्य करती थी। तो इनके माध्यम से भी हम लोग क्या करते थे कि जो समाज में बुराइयां हैं, जो लोग उससे प्रभावित हैं, हम उसके आइडेंटिफाई कर लेते थे, है ना। तो 18वीं सदी के अंत में राजा राम मोहन राय ने भारत की पुरानी प्रथाओं में सुधार लाने का प्रयास किया। इन्होंने जाति प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया और अनेक शैक्षिक संस्थाएं को संचालित किया। आधुनिकता के विकास के साथ साथ समाज कार्य का स्वरूप भी बदलता गया। उसके बाद दिन प्रतिदिन जो है समाज कार्य का जो स्वरूप है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं, परिवर्तित होती रही हैं। समाज कार्य 19वीं सदी में बेसिकली व्यावसायिक समाज कार्य का पार्ट आया, लेकिन 18वीं शताब्दी में बेसिकली मानवतावाद का दृष्टिकोण माना जाता था। 19वीं सदी में व्यावसायिक समाज कार्य का उदय हुआ था। भारत में जब व्यावसायिक समाज कार्य पूछा जाता है तो आप लोग सभी लोग बताइएगा 1936 वाला, क्योंकि TISS ने एक अहम भूमिका निभाया है। ये TISS जो है 1944 में हुआ था। पहले इसको सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल साइंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और 1944 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के नाम से जाना गया। और जब इसकी स्थापना हुई तो डॉक्टर मंसर्ट जी इसकी निदेशक रही हैं सर्वप्रथम, और इसके संस्थापक रहे थे टाटा रतन दादा भोई करके एक नाम आता है उनका, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1936 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनसाधारण की भाषा में, दान, दया, धर्म और सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता और सेवा कार्य भी समाज कार्य था। आधुनिक युग में समाज कार्य के स्वरूप और कार्य करने की विधि आदि जो है व्यावसायिक रूप का धारण कर चुकी थी। अब दिन प्रतिदिन आप देख भी रहे हैं, पहले दान, दया, धर्म जो चीज़ें थी, सहानुभूति आप दर्शा देते थे 18वीं सदी में, तो उसको समाज कार्य मान लिया जाता था। लेकिन जो ये आधुनिक युग देख रहे हैं, ये आधुनिक युग में समाज कार्य का स्वरूप बदल गया। रीज़न ये था कि समाज कार्य में कौशल आ गए, वैज्ञानिक विधि आ गई, टेक्निक आ गए, स्किल आ गए, मेथड्स आ गए। साथ ही साथ जब ये सारी प्रक्रियाएं संचालित हो गई तो उसे समाज कार्य को व्यवसाय समाज कार्य का नाम दिया गया, उसी समाज कार्य को। तो आज हम व्यवसाय समाज कार्य का नाम देते हैं, हालांकि व्यवसाय समाज कार्य अभी भी डेवलप हो रहा है। आप सभी लोग इस तरीके से नहीं कहेंगे, जैसे अभी कथन और कारण में जब प्रश्न आते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन लिख दिया जाता है कि क्या ये अभी तक
प्रगति प्रगति पर है या अग्रसर है व्यवसाय समाज कार्य के रूप में, तो आप लोग बताइएगा कि हाँ अभी ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अभी इसमें विकास होना भी और बाकी है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और आज समाज कार्य वास्तव में एक ऐसी व्यवहारिक या सॉरी व्यावसायिक सेवा है जो विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जा रही है, ठीक है। और आपको बता दूं कि व्यवसाय समाज कार्य की परिपेक्ष में जो नाम आता है, अब्राहम फ्लेक्शनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा सन 1915 में, है ना। 1915 में अब्राहम फ्लेक्शनर ने एक अहम भूमिका निभाई थी व्यवसाय समाज कार्य में। क्या व्यवसाय समाज कार्य है, तो इस जैसे शब्दों पर एक इन्होंने बाल्टीमोर सभा रखा था, उसमें भाषण दिया था इन्होंने और समाज कार्य का इवेल्युएट किया था, जो समाज कार्य की स्थितियां थी उनकी मूल्यांकन किया था इसने, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए इसे व्यवसाय समाज कार्य आज आधुनिक युग में जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। एक बार कंफर्म करिए, हाँ जी सर, भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, व्यवसाय समाज कार्य के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, तो इन्हीं विशिष्ट प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का उपयोग करके संगठित और विशेष रूप से व्यक्तियों को निर्दिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता था। व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का उदय 19वीं सदी में हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्यवसाय के रूप में। एक मिनट होल्ड रखिएगा, देखेंगे आप सभी लोग कि 19वीं सदी में व्यवसाय समाज कार्य का उदय हुआ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन प्रयासों से जब कई समाज सुधारकों ने जनता को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करने और समाज सुधार हेतु विधानों का निर्माण करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से आंदोलन और कार्यक्रमों का संचालन किए, यानी वो चलाए गए, ठीक है। तो कुछ आंदोलन हुए थे, बता सकते हैं कुछ आंदोलन के नाम, कौन कौन से आंदोलन थे समाज सुधार में या समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो? सती प्रथा का अंत, बाल विवाह आंदोलन, बाल विवाह आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। बिल्कुल, आप जैसे यहाँ पे ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज का नाम आ जाएगा। ब्रह्म समाज के को उत्पत्ति बेसिकली आत्मीय सभा के माध्यम से ही हुई थी। पहले तो 1815 में आत्मीय सभा का रूप आया, 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, कहीं कहीं द्वारकानाथ टैगोर का भी नाम देखने को मिलता है। आगे चल के वही देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने समाज को आगे बढ़ाया था, ब्रह्म समाज को। आपने आर्य समाज के बारे में पढ़ा है, दयानंद सरस्वती, 1875 मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित हुई। मुंबई में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। फिर रामकृष्ण मिशन का नाम आपने सुना होगा, 1875 में ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बेंगलोर में इसकी मुख्यालय बनाते हुए यह संस्था भी रही जो मानव की सेवा के ही परोपकार और योग मानता था। सर 1875 था, 1857 था रामकृष्ण मिशन, 1897 था, हाँ जी 97, हाँ 1897 समाज, 1873 ज्योतिबा फूले का नाम आया। प्रार्थना समाज की बात करते हैं, हिंदू समाज में आत्माराम पांडुरंग की भूमिका 1867 में, है ना, 1867 में महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, का नाम देखने को सुनने को मिला हम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा सेवा सदन के बारे में, सेवा सदन, दयाराम गिदुमल थे, 1908 में किया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन में 1908 नाम अगर पूछा जाए तो दयाराम गिदुमल का नाम मिला। बाल विवाह के खिलाफ था ये, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जो है जोर दिया था, उस पर आवाज़ उठाया था। सेवा सदन ने शोषित और समाज से तिरस्कार महिलाओं को देखरेख से संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी सेवा सदन संस्थान में।
ठीक है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो है एक आंदोलन थे, युवा बंगाल आंदोलन का नाम आपने सुना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, बहाली आंदोलन, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ जो उसके अंतर्गत आती थी, ठीक है, ये चीज़ें थी जो उसके अंतर्गत शामिल की गई थी। समाजकारी के अंतर्गत समाज कल्याण और समाज सेवा, सामाजिक नीति, सामाजिक सुरक्षा आदि कई प्रकार की सेवाएं आरंभ की गई जिससे सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। निर्धनता रोक, सामाजिक विघटन, परिवारों से संबंधित समस्याओं, पिछड़ापन, अशिक्षा, बुजुर्गों के साथ सामाजिक समस्याएं, महिलाओं के साथ भेदभाव आदि समस्याओं जो थी वो मानव के समाजीकरण से प्रारंभ हो रही थी, परंतु 19वीं सदी और 20वीं सदी में औद्योगिकीकरण समाज में इन समस्याओं के गंभीर रूप धारण कर लिया। आज वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो ये समस्याएं जो है बन गई। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान में समाज कार्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया, यानी एक प्रकार से इसका समस्या का समाधान करने के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। समाज कार्य का व्यावसायिक रूप वैधानिक सोच और प्रशिक्षित कार्यकलाप या क्रियाकलाप के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी किया गया, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा रॉबर्ट केसलो का नाम। रॉबर्ट केसलो ने समाज कार्य हस्तक्षेप का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक आवश्यकताओं, उत्तम स्वास्थ्य व जीवन निर्वाह की समुचित परिस्थितियों, सह नागरिकों के साथ साथ अपने लिए समान अवसर और चरम सीमा तक आत्मसम्मान और कर्म एवं विचारों की स्वतंत्रता को उपलब्ध कराना, ये इन्होंने कहा कि ये समाज कार्य का हस्तक्षेप है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन निर्वाह समुचित परिस्थितियों में नागरिकों के साथ साथ उसे समान अवसर अगर मिल रहा है, आत्मसम्मान और कर्म विचार की स्वतंत्रता मिल रही है, तो वह एक प्रकार से क्या कहलाएगा, समाज कार्य का हस्तक्षेप कहलाएगा। उसके बाद बिटमर एक परिभाषा आपने सुना होगा। समाज कार्य को मुख्यतः एक व्यवसाय के रूप में देखने का प्रयास किया और उसके अनुसार बुनियादी तौर पर समाज के संस्थागत संगठन के माध्यम से ही समाज कल्याण की प्राप्ति होती है और इसकी गतिविधियों से उन संगठन में सुधार लाया जा सकता है। जबकि समाज कार्य के क्रियाकलाप व्यक्तियों को सामाजिक संस्थाओं का उपयोग करने में सहायता हेतु निर्देशित होते हैं, मतलब एक प्रकार से डायरेक्टिव यानी डायरेक्शन देना या दिशा देना, उसे निर्देशित कहा जाता है। तो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उसकी मदद करना है ना, और एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उसकी जो नीड है, जो उसकी आवश्यकता है, उसी के आधार पर कार्य करना, ये एक प्रकार से समाज कार्य के अंतर्गत हस्तक्षेप की भूमिका निभाते थे बिटमर महोदय, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पे बिटमर की कोई परिभाषा एग्जैक्ट नहीं पूछी जाएगी कि बिटमर की परिभाषा आप बताएं, फिर भी आप इसको ध्यान रखें कि इस तरीके से समाज कार्य हस्तक्षेप की भूमिका होती है। इस तरह से समाज कार्य हस्तक्षेप के माध्यम से व्यक्तिगत और समूह और समुदाय की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। जहाँ तक समाज कार्य हस्तक्षेप से संबंधित कार्यक्रम और वैधानिक उपाय का प्रश्न है, तो हम कन्या भ्रूण हत्या, दत्तक ग्रहण और प्रतिपालक देखभाल संरक्षणकर्ता और बाल विवाह के संदर्भ में भी देख सकते हैं, है ना, उस प्रक्रियाओं को भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कुछ अधिनियम को रिलेट करते हुए, कुछ अनुच्छेद को रिलेट करते हुए, आप लोगों ने एक एक्ट, एक अनुच्छेद पढ़ा होगा 51 का एक या 51 का का, अनुच्छेद 51 का क्या करता है, वो माता पिता 14 वर्ष तक बच्चे की देखभाल करेंगे, माता पिता का कर्तव्य बच्चों की 14 वर्ष तक देखभाल करना। हाँ, आपने एक नाम सुना होगा मौलिक अधिकार, भारतीय का कर्तव्य होता है, तो वहाँ पे हम लोग मौलिक कर्तव्यों को अंतर्गत 51 के का को जब पढ़ते हैं तो ये वैधानिक उपाय बन जाता है, 51 का तो ये वैधानिक उपाय है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इस उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना होगा। आपको बता दें कि ये 86 यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, यानी 2002 में, और उसी समय इस संशोधन में इसको जोड़ा गया था 51 का वाले को, और ये कहता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उसके बच्चों को शिक्षा का अवसर देना है आप लोगों को, एजुकेशन का, है ना, क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करो। जी सर, जी सर।
अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो समाजकारी हस्तक्षेप की कुछ अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को लेकर एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा भी गया था और उसका क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही मेन चीजें हैं, हो सकता है इस बार भी आप लोगों से ये सवाल बना दे, है ना। और मैंने आप लोगों को हाल ही में इसके बारे में बताया भी था, है ना। तो अवस्थाएं एक आती है प्राथमिकता का निर्धारण करना। क्या आप बता सकते हैं प्राथमिकता का निर्धारण किस शब्द को रिलेट कराता है? प्राथमिकता का निर्धारण, देखिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कई सारे विकल्पों में से, मेरी बातों को बड़ा ध्यान समझिएगा, जब आप कई सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, कई सारे विकल्प आपको दे दिए जाते हैं, तो उन विकल्पों में से प्रथम रूप से किसी एक विकल्प का आप चुनाव करते हैं, किसी एक विकल्प का आप क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो उस प्रक्रिया में क्या आप उसे प्राथमिकता बोलोगे, प्रायोरिटी बोलोगे? जी सर, प्राइमरी, जिस मतलब जो जिस पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है। हाँ, तो आपने इन विकल्पों का, जब आप किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं तो उस प्रक्रिया में हम प्राथमिकता बोलते हैं। अब बात आते हैं निर्धारण का, निर्धारण मतलब लक्ष्य हो जाता है, निर्धारण का मतलब एक प्रकार से लक्ष्य को डिनोट कर देता है, है ना, लक्ष्य को डिनोट कर देता है। तो आपको जिसे 10-12 लक्ष्य मिले, आपने किसी समस्या पे, चाहे वो ग्रुप वर्क में काम कर रहे हो, चाहे आप वो केस वर्क का अंतर्गत काम कर रहे हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क के अंतर्गत काम कर रहे हो, उनमें आपको जब आपने अध्ययन किया तो आपको लगभग 10 समस्याएं मिली। उन 10 समस्याओं में से आपको लगा कि आप एक समस्या इम्पॉर्टेंट है, उस चाइल्ड के लिए नीड है, जरूरत है, हमें उसी पर काम करना चाहिए। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक निर्धारण, और ये समाज कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत यही विकल्प आपका स्टार्ट होगा। हस्तक्षेप का मतलब इंटरवेंशन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इंटरवेंशन का मतलब ही दर्शाता है एक प्रकार से समस्या के समाधान की प्रक्रिया की तरफ, ठीक है। तो आपका ये समस्या का निर्धारण हो जाएगा। उसके बाद आवश्यकता का आकलन होता है। आवश्यकता का आकलन किसे कहा जाता है? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए आकलन अभ्यास के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए सेवार्थी के सीखने से संबंधित व्यापक लेवल पर और गहन आंकड़े प्रदान करता है आवश्यकता का जो आकलन है। यह आवश्यकता का आकलन, आकलन क्या है? आकलन एक प्रकार का डेटा देता है आप लोगों को, है ना। नीड बेसिकली आवश्यकता होती है। जब किसी विस्तृत और किसी गहन आंकड़े के बारे में हम बात करते हैं तो उस सेवार्थी के बारे में सीखने के संबंध में हमें डेटा देता है। यह समझने में मदद करता है कि सेवार्थी क्या जानता है, क्या जान सकता है, सेवार्थी क्या जानता है और क्या जान सकता है, सेवार्थी की प्रबलता दुर्बलता की पहचान करके उसके सीखने को समझने के लिए एक पॉजिटिव के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है, है ना। तो हमें उसकी जो करंट स्तर होता है, जो करंट लेवल होता है, जो वर्तमान का स्तर होता है, वो पता चलता है आवश्यकता के आकलन से, वो पता चलता है आवश्यकता के आकलन से। इसलिए इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, आकलन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। किसी कार्यकाल का ब्यौरा देने या आवश्यकताओं का पता लगाने या प्राथमिकताओं या उद्देश्यों को तय करने के लिए सूचना प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति होती है जिसे हम लोग आकलन कहते हैं। आकलन सेशन में भी होता है, परियोजना में भी होता है, निर्धारण मापनी में भी होता है, लिखित परीक्षा में भी हो सकता है, मौखिक परीक्षण में भी हो सकता है, वाद विवाद में भी हो सकता है, समूह चर्चा में भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन में भी हो सकता है, इत्यादि जो गतिविधियां होती हैं ये आकलन की एक प्रकार के मेथड्स के रूप में भी जानी जाती हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को इस तरीके से समझते हैं इसके अंतर्गत। एक बार बताइए, कंफर्म करिए, ये चीजें क्लियर हुई? जी सर। आकलन में हम ये भी तो कर सकते हैं कि उसकी आवश्यकता का अनुमान लगाना कि उस स्थिति में अब उसकी आवश्यकता क्या है।
मैंने आपको वही तो बताया है, मैंने कहा उद्देश्यों प्राथमिकताओं को तय करने के लिए सूचना प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति होती है, और जाहिर सी बात है वो चीजें इसके अंतर्गत आती है, हमें आकलन से ही पता चलेगा वो चीजें किसकी नीड है ना, किसको क्या चीज है, ये जैसे प्रबलता है दुर्बलता है ये सब कहाँ पता चलेगा, आकलन से ही पता चलेगा जी सर, करेंगे तभी पता चलेगा, तभी हम आवश्यकताओं की पहचान कर पाएंगे, उसका डेटा का एनालिसिस कर पाएंगे, उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं, तब जाकर हम उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सभी जो है एक प्रकार से आवश्यकताओं के आकलन के अंतर्गत आप ये भी कह सकते हो कि चार पद्धतियां जो होती हैं उन चार पद्धतियों को इसके अंतर्गत लागू कर सकते हो, जैसे आवश्यकता की पहचान करना, ठीक है, दूसरा आप ये कह सकते हो डेटा संग्रह करना, और डेटा संग्रह करना भी आप कह सकते हो, आप इसी के अंतर्गत डेटा का अनुप्रयोग भी कर सकते हो, डेटा का अनुप्रयोग भी कर सकते हो, आप मूल्यांकन भी कह सकते हो, ये प्रतिक्रियाएं आप संचालित कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद स्थिति परक का विश्लेषण करना, यानी जो डेटा संग्रहित हुआ है, जो आंकड़े आपने लिए हैं आकलन के द्वारा, या प्राथमिकता का जो निर्धारण आपने किया वहाँ पर भी, उन सभी डेटा का सिचुएशन देखते हुए, परिस्थितियाँ देखते हुए उसका आप एनालिसिस करेंगे, उसका आप विश्लेषण करेंगे, उसके बाद आप कार्य योजना बनाएंगे, देन आप क्रियान्वयन करेंगे। कार्य योजना मतलब किसी कार्य को करने वाले हैं, यानी उसकी समझ, मान लीजिए उसकी दुर्बलता होगी, कोई कोई समस्या होगी, उस समस्या पर आप कोई प्लान बनाएंगे, है ना, किसी मान लीजिए कार्य विश्लेषण करेंगे, कार्य छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड करके आप उसे सिखाना चाहते हैं, उसे कार्य विश्लेषण कहा जाता है, ठीक है, तो वहाँ एक प्रकार से प्लानिंग शब्द यूज होता है, ठीक है, उसको हम लोग कार्य विश्लेषण कहते हैं। और उसके बाद आप क्रियान्वयन, क्रियान्वयन मतलब एक प्रकार से एक्शन होता है, कार्य करने का तरीका, यानी आप यहाँ पर कार्य आपका लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप है, इन स्टेप को ध्यान रखना है, पहले नंबर पे जो आता है प्राथमिक निर्धारण आता है, दूसरे पे आवश्यकता का आकलन, तीसरे पे स्थिति परक विश्लेषण, चौथे पर कार्य योजना, पांचवे पर आता है क्रियान्वयन, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी सारा का सारा, ठीक है। तो बस करिए, आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग, ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया है ना, आज क्लास थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुई थी, और अभी आप लोगों को 30 मिनट बाद आज आप लोगों की जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगी, और उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय पर, ठीक है, आज की जो हमारी ये टॉपिक होगा DSSB पर बेस्ड होगा, और वो होगा सामाजिक न्याय, है ना, इसके बाद आपकी क्लास चलेगी, और UGC के बच्चों के लिए भी क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। सर जो आपने कल क्वेश्चन कराए थे 8:30 बजे वाली क्लास में, कल क्वेश्चन वो आपने वो ग्रुप में डाला ना सर, कल क्वेश्चन नहीं हुआ था जगदीश जी, कल टॉपिक करवा दिए थे हम लोगों ने, कल क्वेश्चन नहीं कर पाए, अच्छा वो वीडियो नहीं सेंड किया था सर इसलिए, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद अभी